यहाँ पर बिल्कुल आपको ऑरेंज टोन मिल गया है। थोड़ा और डार्क कर लेती हूँ, ये देखिए हाइड हो जाएगा। तो ये बहुत देखिए रॉन्ग प्रोडक्ट हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमें इस प्रोडक्ट को किस तरह से करेक्ट करके यूज। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटी वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों की डिमांड है करेक्टर्स के बारे में। करेक्टर्स के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, सो आज आपके पूरे कन्फ्यूज़न दूर कर दूँगी। एंड हमारे एक व्यूअर का कमेंट है कि दो तीन दिन से मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि उन्होंने येलो कलर करेक्टर लिया है एंड उनके जो डार्क सर्कल हैं, प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है, बहुत ज़्यादा इंटेंस है। तो क्या उनको येलो से करेक्ट करना चाहिए, क्या उनको उसमें वाइट मिक्स करना चाहिए या और कुछ उसमें मिक्स करना चाहिए? क्योंकि उनका कमेंट ये भी था कि मैं उसमें कितना वाइट ऐड करूँ, तो क्या येलो में आपको वाइट ऐड करना है? तो सब कुछ यहाँ पर डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको उसमें क्या ऐड करना है जो आप अपने प्रॉब्लम करेक्ट कर लें एंड आपको किस तरह से अपने करेक्टर्स चूज करने हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे ये जो वीडियो है, ये मैंने बिल्कुल आपको करेक्टर अच्छे से बताते हुए पहले भी एक वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वो भी एक बार जाकर चेक कर लेना, क्योंकि उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको नंबर्स भी पता चलेंगे एंड वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की हुई है। ठीक है, आज यहाँ पर हम थोड़ा सा जो कुछ बाकी रहा है, जो कुछ कन्फ्यूज़न है, उनको दूर करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हैं, तो आप डर्मा में देखिए ये वाला करेक्टर आप ले सकते हैं, ये है D30। अभी देखिए येलो कलर करेक्टर, ये जो येलोइश करेक्टर्स होते हैं, जैसे कि ये येलोइश ऑरेंज है ना, येलोइश ऑरेंज है, तो इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे? ये है सुप्रा का 303, इसको हमें यूज़ करना है जो बिल्कुल लाइट प्रॉब्लम है। अब देखिए लाइट प्रॉब्लम, जितनी लाइटर स्किन टोन होता है ना, मोस्टली वहाँ पर आपको लाइट ही प्रॉब्लम मिलती है देखने को, तो वहाँ पर करेक्ट करने के लिए आप ये वाला कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए, जैसे किसी ने येलो ही ले लिया है, अभी जो मेरी व्यूअर का कमेंट था वो यही था कि उन्होंने येलो ही ले लिया है, आई थिंक, मुझे पूरा भी याद नहीं है, आई थिंक तो उन्होंने बताया था कोई स्टिक उन्होंने ली है जो बिल्कुल येलो है, तो उसको वो कैसे अपने एज ए करेक्टर यूज़ करेंगे, तो वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एक कलर करेक्टर हम ग्रीन यूज़ करते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं रेडनेस को करेक्ट करने के लिए। रेडनेस मतलब कि किसी के फेस पर बहुत ज़्यादा रेडनेस होती है या तो फिर एक्टिव पिंपल होता है, तो वहां पर हम यूज करते हैं ग्रीन कलर करेक्टर, ये है 092 सुप्रा। आप और कोई ब्रांड में, एलिगर्ल के करेक्टर भी बहुत अच्छे हैं, आप वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, ये एक है सलमन पिंक करेक्टर D32, ये है सलमन पिंक करेक्टर है एंड और देखिए इसमें D31 आता है ऑरेंज में, लाइट डार्क बहुत सारे शेड्स आते हैं। आपका जितना लाइट प्रॉब्लम है उतना लाइटेस्ट आपको कलर करेक्टर यूज़ करना है एंड जितना डार्क प्रॉब्लम है उतना ही डार्क ऑरेंज आपको यूज़ करना है। हमें जो न्यूट्रलाइज करना होता है, इसमें हम कलर व्हील थ्योरी को फॉलो करते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया है, जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं उनको हम कैंसिल आउट करते हैं, क्योंकि देखिए हम क्यों यूज़ करते हैं वही कलर, क्योंकि जब आप दो कॉम्प्लीमेंट्री कलर को मिक्स करते हैं तो आपको मिलता है ब्राउन, तो ब्राउन जो कि हमारे स्किन का अंडरटोन है, हमारे स्किन का टोन है ब्राउन। तो जब आपको किसी एक चीज़ को, जैसे आप आपका फेस है, इस पर अगर और कोई चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है, तो आपको उसको हाइड करना है, उसको आपके टोन में लेकर आना है, जैसा आपका टोन है वैसा आपको दिखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए दुश्मन को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन ही है ना जो हमारे प्रॉब्लम को हटा के और हमारा सेम टोन ला सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है, वो एक दूसरे के दुश्मन है, वो एक दूसरे को जब मिलते हैं तो वो ना वो रहता है ना वो रहता है, वहाँ पर दूसरा ही एक क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अभी मैं बता दूँ येलो कलर करेक्टर को कैसे यूज़ करेंगे। देखिए येलो अगर आपने ले लिया है तो आपने क्या करना है, देखिए येलो और अगर आप रेड को मिक्स करते हैं तो आपको ऑरेंज मिलता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो देखिए यहाँ पर अगर मैंने ये लेती हूँ मैं येलो, ठीक है, आपका थोड़ा कंसीलर बेस्ड येलो होगा, तो इसमें अगर मैं रेड मिक्स करती हूँ, यू कैन सी,
इक्वल क्वांटिटी में मैं यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए मेरे पास ये एक ऑरेंज क्रिएट हो गया है, ठीक है, यू कैन सी, ये देखिए ये ऑरेंज क्रिएट हो गया है। और अगर मैं आपको करेक्टर दिखाती हूँ तो देखिए मेरा जो करेक्टर है वो भी ऑरेंज है, ये डार्क ऑरेंज हो गया, ये थोड़ा सा उतना डार्क नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको मिक्स करना है थोड़ा सा कंसीलर, जिससे कि हमें एक ऐसा ऑरेंज मिल सके जिसको हम हमारे फेस पर यूज कर पाए। ये देखिए अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। अब मिक्स करने के बाद में ये देखेंगे आप, ये थोड़ा सा ऑरेंजिश टोन हो गया है ना, इसमें हम थोड़ा सा और कंसीलर मिक्स करेंगे, वो थोड़ा डार्क कलर का होगा, तो जिससे कि आपको थोड़ा सा और डार्केस्ट ऑरेंज मिल जाए। देख रहे हैं आप जहाँ पर मैंने कंसीलर यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है डार्क वाला, तो देखिए ये देखिए थोड़ा सा हमें जैसे करेक्टर वाला टोन है वो वाला ऑरेंज आ गया है यहाँ पर, दिख रहा है आपको बिल्कुल अच्छे से, मैं पास से दिखा रही हूँ जिससे कि समझ में आए, ठीक है। अगर इसको आपको और थोड़ा सा करना है, ये देखिए, तो इसमें और थोड़ा सा कंसीलर मिक्स कर दीजिए, ठीक है। आपको चेक करना पड़ेगा बार बार, एक बार में आपसे शुरुआत में नहीं होगा, तो आपको बार बार चेक करना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, बन रहा है वैसा ऑरेंज। तो आप इस तरह से, अभी देखिए मैंने ही फ्रेश कलर पैलेट यूज़ की है, आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आपकी जो लिपस्टिक आती है रेड कलर की, वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत ही यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। मैंने यहाँ पर इक्वल क्वांटिटी में इसलिए मिक्स किया था कि मैं आपको ऑरेंज कलर क्रिएट करके दिखाऊं, जो कि हम कलर व्हील थ्योरी में यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर बिल्कुल आपको ऑरेंज टोन मिल गया है। अगर इसको लाइट करना है तो लाइट कलर का आपको कंसीलर मिक्स करना है, इसको और डार्क करना है तो आप और डार्क यूज़ कर लेंगे। ये देखिए मैं इसको थोड़ा और डार्क कर लेती हूँ, ये देखिए दिख रहा है आपको, अच्छे से समझ में आ रहा है, डिफरेंस भी आपको दिख रहा है, करेक्टर भी आपके पास तैयार हो गया है। तो ये वाला आप ना फॉलो कर सकते हैं, तो इस तरह से आप अपना करेक्टर भी यूज़ कर पाएंगे और आप अपनी प्रॉब्लम को भी करेक्ट कर पाएंगे। अभी आपको इसको क्या करना है, जो भी आपके प्रॉब्लम है वहाँ पर आपको इसको अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए जैसे कि मुझे अगर यहाँ प्रॉब्लम है तो मैं इसको यहाँ पर इस तरह से डैब डैब करते हुए अप्लाई कर दूँगी, इसको थोड़ा सेट होने दूंगी, एंड सेट होने के बाद में मैं इसको कंसील कर दूंगी, तो उससे मेरा प्रॉब्लम एकदम हाइड हो जाएगा। तो ये बहुत देखिए रॉन्ग प्रोडक्ट हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमें इस प्रोडक्ट को किस तरह से करेक्ट करके यूज़ करना है, क्योंकि हम एक ही प्रोडक्ट को मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, बस हमको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जैसे कि कलर व्हील थ्योरी है, अगर ये हमको नॉलेज नहीं होती कि ऑरेंज कलर करेक्टर हमें कैसे क्रिएट करना है, तो हमको ये नहीं पता चलता कि हम येलो को कैसे यूज़ करें, क्योंकि येलो और रेड को मिक्स करके हमको ऑरेंज मिलता है, देन हम उसमें कंसीलर कलर डाल के और हमारे जो स्किन टोन है उसके अकॉर्डिंग हम कलर करेक्टर बना पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कलर व्हील थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेकअप में। सो अगर आप कलर व्हील थ्योरी का कोर्स करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं कलर व्हील थ्योरी, आप चाहते हैं कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, तो जल्दी ही हमारी कलर व्हील स्पेशल क्लास आने वाली है, आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे आप कि मेकअप से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको कलर व्हील का इतना अच्छे से नॉलेज होगा, क्योंकि जो एक कलर व्हील है ना, ये जो बिगनर्स होते हैं उनको इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आप किस तरह से लिपस्टिक के शेड्स क्रिएट कर पाएंगे, आप अपने जो अगर आपके रॉन्ग शेड्स आ जाते हैं उनको आप करेक्ट कर पाएंगे, आप ब्लशर कलर व्हील, आपको कॉन्टोर कलर व्हील, एंड आपको पूरा बेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप किस तरह से मल्टीपल आई शेडो के शेड्स क्रिएट कर सकते हैं, ये सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी ही आपको क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और उससे पहले अगर आप सीखना चाहते हैं जो एक क्रायलॉन की पैलेट से, देखिए ये जो डर्मा है, सुप्रा है, डिजिटल पैलेट है, ये देखिए ये जो क्रायलॉन का सुप्रा है एंड ये डर्मा है एंड इसका जो डिजिटल है, वीटा है,
और इसके जो ब्रश है ब्रशेज है उसके बारे में एंड इसके जो पाउडर्स आते हैं उसके बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं, आपको नहीं समझ में आता है इसके जो हर एक शेड हैं उनका स्किन टोन क्या है, अंडर टोन क्या है, इन करेक्टर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं कि कौन सा कलर करेक्टर कहाँ यूज़ होगा, कौन से अंडर टोन पर यूज़ होगा, कौन से स्किन टोन पर यूज़ होगा, सब कुछ आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा। क्रायलॉन को लेकर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। और क्रायलॉन एक ऐसा ब्रांड है जिसको हम यूज़ करते हैं। देखिए हर मेकअप आर्टिस्ट की वैनिटी में आपको क्रायलॉन ज़रूर मिलेगा। सो आप ये वाला जो हमारा क्लास है वो कर सकते हैं। बहुत ही कम अमाउंट में हम आपको ये सिखा रहे हैं, क्योंकि ये नॉलेज अगर आपको हो जाती है तो कभी भी आपका मेकअप काला नहीं पड़ेगा, ग्रे नहीं होगा, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि आपको कौन से स्किन टोन पर क्या यूज़ करना है। और जब अगर आपको इतना आइडिया हो जाएगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फिर आगे नहीं आएगी, ठीक है। और दूसरी बात, आपको इसमें एक ब्राइडल लुक भी कवर होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप डर्मा के प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, सुप्रा के प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, तो वो भी आपका वहाँ पर कवर हो जाएगा। एंड और भी बहुत सारी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो आई होप गाइज ये वाला वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलती रहती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।